नमस्ते, सुप्रभात, बहुत स्वागत। जय हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। आपके फेवरेट शो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। हमारे एंकर्स, हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से हकीकत का विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे बिना लाग लपेट के। तो आइए आगाज करते हैं। पहली खबर कौन सी होगी? ज्ञान व्यापी मस्जिद का आज भी सर्वे होगा। यह सर्वे सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। एक और सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है तो वहीं इस मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो इस मामले में धमकी का भी इस्तेमाल कर दिया है। क्या धमकी है वो आपको बताएंगे। दूसरी खबर क्या होगी वो जानिए। मथुरा की बात होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद में सनातन के निशान की तलाश को लेकर मामला अदालत पहुंच चुका है, जिसमें ज्ञान व्यापी के तर्ज पर ईदगाह मस्जिद में वीडियोग्राफी कराई जाने की मांग उठाई जा रही है। अदालत ने सभी याचिकाओं को स्वीकार कर 1 जुलाई को सुनवाई का फैसला किया है। माहौल क्या है मथुरा में वो आपको बताएंगे। लेकिन तीसरी और चौथी खबर जानिए करिश्मा से। बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ करिश्मा। आइए आपको बताते हैं कि तीसरी कौन सी बड़ी खबर होगी जिस पर जी हिंदुस्तान की आज नजरें रहने वाली है। देखिए, महाराष्ट्र से एक खबर है जहां हिंदुत्व का सबसे बड़ा मसीहा कौन है इसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और MNS पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व को झूठा कहा बल्कि राज ठाकरे के शॉल ओढ़कर वाले साहेब ठाकरे बनने की बात भी कर दी। अब चौथी बड़ी खबर कौन सी है वो आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में तीर्थ यात्रियों को लेकर ये खबर है। दरअसल एक बस जा रही थी, आग लगने की घटना यहाँ पे घटी, ऐसा खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता सेनानियों ने एक आतंकवादी समूह ने हमले की जिम्मेदारी इसमें ली है। बता दें कि कटरा बस हादसे पर आतंकी हमले के एंगल से भी अब जांच हो रही है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत भी हो गई है जबकि 22 लोग अभी अस्पताल में हैं जिनका इलाज जारी है। तो इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजरें रहने वाली है। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं सुपर स्पीड 100 फटाफट अंदाज। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज दूसरे दिन भी होगा सर्वे और वीडियोग्राफी। सुबह 7 बजे से शुरू होगा सर्वे। ज्ञानव्यापी मस्जिद के पहले दिन के सर्वे के बाद वकील का दावा, उम्मीद के मुताबिक मिले साक्ष्य, दोनों तहखानों के 3 कमरों में सर्वे। ज्ञानव्यापी मस्जिद में पहले दिन मस्जिद की पश्चिमी दीवार का हुआ सर्वे। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सर्वे पर दिया बड़ा बयान, कहा उम्मीद से ज्यादा मिले साक्ष्य। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की मौजूदगी में हुआ सर्वे, वीडियोग्राफी के लिए विशेष कैमरा और लाइट्स की थी इंतजाम। ज्ञानव्यापी सर्वे पर ओबीसी का प्रधानमंत्री पर निशाना, कहा सर्वे पर चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री मोदी, धार्मिक स्थलों के कानून का आखिर क्या हुआ। ज्ञानव्यापी सर्वे पर ओबीसी का बड़ा बयान, कहा ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, बाबरी खोई ज्ञानव्यापी नहीं खो सकते। ओबीसी ने कहा कि 1991 के कानून का उल्लंघन हो रहा है, मुस्लिमों को डराने का भी ओबीसी ने आरोप लगाया। ओवैसी के बयान पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कतंस, कहा यूपी के मुस्लिम नहीं लेते ओवैसी को सीरियस, हिंदू मुसलमान विकास के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। मुंडका अग्निकांड में NDRF की टीम का ऑपरेशन आज भी रहेगा जारी। अग्निकांड को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर आरोप, कहा भ्रष्टाचार में लिप्त है दमकल विभाग, पैसा लेकर बांटी जाती है NOC। मुंडका अग्निकांड में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी हरीश गोयल और वरुण गोयल, आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक कस्टडी में भेजा गया जेल। पंजाब के अमृतसर में आग का तांडव, गुरु नानक देव अस्पताल में लगी भीषण आग, अस्पताल के वार्ड तक पहुंचा धुआं। गुरु नानक देव अस्पताल से 650 मरीजों का किया गया रेस्क्यू, अस्पताल में आग लगने से अफरातफरी का बना माहौल। अस्पताल में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, अस्पताल के ट्रांसफार्मर से उठी चिंगारी से लगी थी आग। जम्मू कटरा बस हादसे में आतंकी हमले की साजिश, JKFF आतंकी संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी, हादसे में 4 की मौत 22 घायल। मुंबई में शिव संपर्क अभियान के दौरान उद्धव का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा झूठ बोलना बीजेपी के हिंदुत्व में। उद्धव ठाकरे का तंज, कहा गधा हमें पैर से लात मारता, उससे पहले घोड़े की तरह हमने लात मारकर गठबंधन से खुद को बाहर निकाला, 25 साल हमने गठबंधन में किए बर्बाद। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा ये लोग ED को पीछे लगाकर दाऊद को भी मंत्री बना सकते हैं, कोरोना को भगाने वाली थाली अब भी खाली पड़ी। सीएम ठाकरे ने राज ठाकरे की तुलना मुन्ना भाई के संजय दत्त से की, कहा फिल्म में संजय दत्त की तरह राज ठाकरे को भी केमिकल लोचा हो गया है।
मुंबई में मराठी एक्ट्रेस केतकी चिताले को पुलिस ने हिरासत में लिया। शरद पवार के खिलाफ किया था आपत्तिजनक पोस्ट। माणिक शाह होंगे त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में लगी मुहर, आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव को हटाया गया। बिप्लब देव को फिर से मिल सकती है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने लद्दाख में फॉरवर्ड एरिया का किया दौरा। आर्मी चीफ ने सेना के जवानों से मुलाकात कर किया उनका हौसला बढ़ाया। जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपिया में रेड के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टीआरएफ केस में छापेमारी। उमर अब्दुल्ला ने फिर रोया। 370 का राह कहा कश्मीर से 370 हटाया गया क्योंकि हम पट गए, बिखर गए और खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा। दिल्ली में मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा से क्राइम ब्रांच की पूछताछ। करीब 3 घंटे चला सवाल जवाब का सिलसिला। लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगा रखी है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल का केरल दौरा। कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पार्टी नेताओं से भी होगी मुलाकात। खालिस्तान के झंडे मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने दूसरे वंचित आरोपी परमजीत सिंह पम्मा को पकड़ा। खालिस्तानी झंडा लगाने के मामले में एक और गिरफ्तारी पर सीएम जयराम का ट्वीट। देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ हर हिमाचली एकजुट। दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद समेत 7 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। आईपीएल सट्टेबाजी के मामले पर रेड। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में चल रहा था सट्टेबाजी का खेल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर सुनील राज को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली के नेपसराय इलाके में एक लड़के की चाकू गोद कर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत भयंकर गर्मी से परेशान। दिल्ली में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। दबंगों ने एक दुकानदार की जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो आया सामने, सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में कुर्ता पजामा पहनकर कॉलेज जाने पर छात्र की पिटाई। युवक के मुताबिक कुर्ता पजामे को लेकर कुछ युवकों ने आपत्तिजनक कमेंट किया, फिर पीटना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला ने चलती ट्रेन से 2 बच्चों को फेंका, खुद भी ट्रेन से कूदी महिला। सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना। जयाती सिपाही ने तीनों को बचाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जंगलों में लगी आग लगातार फैल रही है। आग के कारणों का खुलासा नहीं, आग बुझाने के काम भी जारी। उत्तराखंड के चिनियाला रिसोड़ में भागीरथी नदी में दलदल में फंसा एक युवक। एसडीआरएफ और पुलिस ने युवक की जान बचाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में तमंचे से फायरिंग करना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्राथमिक स्कूल में टीचरों के बीच मारपीट हुई। शिक्षा मित्र और हेडमास्टर के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। जमकर चले लात घूसे और झूठे धक्के। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर आग का गोला बनी कार। धू धू कर जलती कार का वीडियो वायरल। कार सवार ने कूद कर किसी तरह बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रस्सी से बांध कर 2 युवकों की पिटाई की गई। दबंग युवकों ने जंगल में बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल के बच्चों से धुलवाए गए बर्तन। स्कूल में बच्चों के बर्तन साफ करते वीडियो दुनिया ने देखा। और राजस्थान के अलवर में गर्मी से बेहाल टाइगर सरसिका टाइगर रिजर्व में तालाब में अटकलियां लगाते हुए नजर आया था टाइगर। राजस्थान के सिरोही में माउंट आबू के जंगलों में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर तक फैली आग ने लिया विकराल रूप। मध्य प्रदेश के रतलाम में चोरों ने एक घर में लगाई सेंध। लाख रुपए का सामान लेकर फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। राजस्थान के अलवर में धार्मिक कार्यक्रम में हुआ अश्लील डांस। धारा 144 लागू होने के बावजूद हुआ धार्मिक कार्यक्रम। हरियाणा के फतेहाबाद में 10वीं और 12वीं की आंसर शीट वायरल हुई। छात्रों ने टीचर से पास करने की लगाई फरियाद। एक छात्रा ने लिखा कि अच्छे नंबर नहीं आए तो घर वाले करवा देंगे शादी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दुल्हन ने बेरंग लौटाई बारात। दूल्हे ने लड़की के माता पिता से की थी बदसलूकी। शराब के नशे में धुत्ता दूल्हा। आज गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे जनता दरबार। जनता दर्शन में जनता की सुनेंगे फरियाद। गोरखपुर देवरिया बाईपास पर सीएम योगी का दिखा अलग अंदाज। बच्चों के बीच पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बच्चों को बांटी चॉकलेट। राज ठाकरे के विरोध पर अड़े सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। कहा राज ठाकरे को 5 जून को नहीं आने देंगे अयोध्या। उत्तर भारतीयों से माफी मांगे या तारीख बदले राज ठाकरे। जम्मू कश्मीर के 44 कैदियों को किया गया प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट। एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा बल के साथ कैदियों को लाया गया जेल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दिखा तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज बस बाइक सवारों को रौन खाई में गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। नोएडा से 2 संदिग्धों को पंजाब पुलिस ने धर दबोचा। पंजाब में हुए ब्लास्ट से जुड़े होने का शक। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवारों को रौंदते हुए खाई में गिरी बस। हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले प्रशासन का बड़ा एक्शन। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 2 आरोपी। राधोगढ़ के जंगलों में जारी पुलिस का सर्च ऑपरेशन।
गुना एनकाउंटर में शहीद एसआई राजकुमार जाटव का अशोकनगर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश में 10 मई को होगा संबल योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण। ओबीसी आरक्षण संबल योजना समेत कई मुद्दों पर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों संग की बैठक। मध्य प्रदेश में नहीं बिजली की कोई समस्या, प्रदेश के प्लांट में 3,00,000 मीट्रिक टन कोयला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को जानकारी। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे महापौर नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। बिहार के समस्तीपुर में स्कूल परिसर में भिड़े दो गुट, आपसी वर्चस्व को लेकर झड़प हुई, कई राउंड फायरिंग की खबर। बिहार के बगा में भीड़ ने कानून हाथ में लिया, चोरी के आरोप में शख्स को खंभे से बांधकर लाठी डंडों से पीटा। बोकारो में भाई बना भाई का कातिल, मामूली विवाद को लेकर भाई ने अपने छोटे भाई का कत्ल किया, आरोपी गिरफ्तार। अवैध शराब को लेकर झारखंड में बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सरायकाला में छापेमार कार्रवाई कर 30,00,000 का माल किया जब्त। पूजा सिंगल से ईडी की पूछताछ, सुमन कुमार और अभिषेक झा से भी लगातार हो रहे हैं सवाल जवाब, सोमवार को आएगी 3 DMO की बारी। बिहार के बाढ़ में गंगा नदी में डूबे 3 बच्चे, 2 की डूबकर मौत, तीसरे को बचाया गया, नहाने के दौरान हुआ हादसा। बिहार के बगहा में 11 साल के बच्चे पर बाघ का हमला, मासूम की मौके पर ही मौत हुई, गलती से टाइगर जोन में घुसने के बाद हुआ हादसा। पटना सिटी में अपराधियों का तांडव, ज्वेलरी की दुकान में हथियार के दम पर की लूटपाट, दुकानदार के विरोध के बाद भागे बदमाश। देश में महंगाई दर 8 साल के रिकॉर्ड पर उच्चतम स्तर पर पहुंची, कटिहार में स्थानीय नेताओं का अनोखा प्रदर्शन, बीन बजाते हुए भैंस के साथ निकाली पदयात्रा। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आज आखिरी दिन, CWC की बैठक में सभी प्रस्तावों पर लगेगी मोहर, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी करेंगे संबोधन। गहलोत ने कांग्रेस के महामंथन से फिर साधा बीजेपी पर निशाना, कहा देश के हालात चिंताजनक है, जहां चुनाव वहीं हो रही है हिंसा। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में ग्रुप डिस्कशन में AICC के 4 प्रमुख भागों से मिले कई महत्वपूर्ण सुझाव, सशक्तिकरण के हर संभव पहलू पर बात। राजस्थान नागौर जिले में जयपाल पुनिया के दिन दहाड़े हत्या की गई, बदमाशों ने गोली मारकर मौत की घाट उतारा। राजस्थान के बारा में चलती कार में लगी भयंकर आग, बीच सड़क पर धू धू कर जली कार। महंगा हुआ गाड़ी चलाना, फिर से बढ़े सीएनजी गैस के दाम, सीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी। आंद्रे रसल के ऑलराउंड प्रदर्शन से कोलकाता नाइट राइडर्स की बड़ी जीत, हैदराबाद को 54 रनों से दी करारी शिकस्त। बैडमिंटन में भारत ने रचा इतिहास, 73 साल बाद पहली बार थॉमस कप का खिताबी मुकाबला खेलेगी भारतीय टीम, आज इंडोनेशिया से फाइनल मुकाबला। एशिया कप से पहले भारतीय हॉकी टीम को लगा बड़ा झटका, कप्तान रुपिंदर चोटिल होकर हुए बाहर। अभिनेता अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव हुए, ट्विटर पर जानकारी दी, कान फिल्म फेस्टिवल में नहीं करेंगे शिरकत। सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग हुई शुरू, फिल्म में अभिनेत्री पूजा हेगड़े भी आएंगी नजर। फिल्म भूल भुलैया 2 के प्रमोशन में जुटे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी, 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारतीय सांकेतिक भाषा के साथ OTT पर रिलीज होगी कश्मीर फाइल्स, मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग पर हुआ आयोजन, फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री रहे मौजूद। 24 मई को हुई पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, 24 वर्ष के हुए मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद पृथ्वीराज में आएंगी नजर। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान बोले, मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में कैबिनेट का फेरबदल, विक्रम सिंघे ने मंत्रिमंडल में 4 मंत्री शामिल किए और GL पीरिस फिर बने विदेश मंत्री। श्रीलंका में अभी सड़कों पर लोग कर रहे प्रदर्शन, राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को किया जाम, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। श्रीलंका में कर्फ्यू से 12 घंटे की छूट, हिंसक प्रदर्शन के बाद श्रीलंका में दोबारा लगाया गया था कर्फ्यू, प्रदर्शन में भड़की हिंसा में अब तक 9 लोगों की हो चुकी है। पाकिस्तान में बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई मुश्किलें, लाहौर सहित कई शहरों में गर्म हवाओं से लोग परेशान। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने, राजधानी से महज 100 किलोमीटर दूर ये रिएक्टर, अमेरिकी एजेंसी का दावा। चीन की राजधानी बीजिंग में बड़ा कोरोना संक्रमण, कोरोना टेस्टिंग सेंटर के बाहर दिखी लोगों की लंबी कतारें। अमेरिका से सामने आई जबरदस्त धूल भरी चक्रवात की तस्वीर, अमेरिका के मिडवेस्ट इलाके में इस चक्रवात के कारण 2 लोगों की मौत हुई। पेरू में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 800 किलो से ज्यादा के ड्रग्स किए गए बरामद, फलों से भरे ट्रक में छुपा कर ले जाए जा रहे थे ड्रग्स। रूस यूक्रेन के बीच 81वां दिन में युद्ध अभी भी जारी, यूक्रेनी सेना ने रूस के एक प्लेन पर रॉकेट गिराया, लॉन्चर से हमला किया।
यूक्रेन में रूसी सेना के ऑपरेशन करने का वीडियो आया सामने। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस ने यूक्रेन के 5 कमांड पोस्ट और 2 हथियारों के डिपो को किया तबाह। कीव में अमेरिकी सीनेट लीडर मिचेल मैककोनेल ने जेलेंस्की से मुलाकात की। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर दिखे साथ। यूक्रेन के ओडेसा में चला बड़ा हादसा। यूक्रेन की सेना ने घर से निकाली रूसी मिसाइल। युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों की तस्वीरें आई सामने। रूसी सैनिकों के शवों को ट्रेन में लोड करते दिखे यूक्रेनी सैनिक। डॉनबास में जारी रूसी सेना के हमलों पर जेलेंस्की ने जताई चिंता। कहा डॉनबास में हालात बेहद मुश्किल। रूस हमारी जमीन से हमें निकालने की कोशिश कर रहा है। फिनलैंड में नाटो में शामिल होने पर इच्छा जताने पर रूस का कड़ा एतराज। पुतिन ने फिनलैंड के राष्ट्रपति को फोन कर दी चेतावनी। कहा नाटो में शामिल होने से खराब होंगे रिश्ते।